नमस्कार बहनों भाइयों, आज की ताज़ा समाचार कुछ इस प्रकार हैं कि आज चीन ने नया नया परमाणु परीक्षण किया है, जिससे आज 1964 को चीन दुनिया की 5 न्यूक्लियर ताकतों में से एक बन चुका है। इससे भारत सरकार थोड़ी सी चिंतित है और अमेरिका भी थोड़ा सा परेशान है। वजह आगे जानेंगे, धन्यवाद। ये न्यूज़ रिपोर्ट बिल्कुल सच है। दरअसल 1964 में चाइना एक न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करता है, जिसको देखकर इंडिया और अमेरिका घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने अगर जल्द ही कुछ नहीं किया तो चाइना लेकिन अब सोचने की बात यह है कि इंडिया और अमेरिका ने मिलकर ऐसा क्या किया जिससे वो चाइना को कह सकें। रुको जरा, सबर करो। 1965, चाइना के न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के ठीक अगले साल आईबी और सीआईए मिलकर नंदा देवी पर्वत पर एक न्यूक्लियर पावर सर्विलेंस डिवाइस लगाने जाते हैं, जिसका काम होता है कि वह चाइना के न्यूक्लियर पावर पर नज़र रखे। लेकिन काम आधे में ही रोक दिया जाता है और उसकी वजह यह होती है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से सभी साइंटिस्ट वहाँ से भाग आते हैं। लेकिन वो उस न्यूक्लियर पावर डिवाइस को वहीं पर ही छोड़ आते हैं। हालांकि इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर अगले साल जब वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो सभी साइंटिस्ट वापस अपना काम पूरा करने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये होता है कि वो जो न्यूक्लियर डिवाइस एक साल पहले साइंटिस्ट छोड़ कर गए थे वो गायब हो जाता है। दरअसल उस न्यूक्लियर कंटेनर के अंदर प्लूटोनियम कैप्सूल्स थे, जो न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पर काम आते हैं और वो बहुत रेडियो एक्टिव और गर्म भी होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बात को रफली 50-60 साल हो गए तो मैं आपको ये अब क्यों बता रहा हूँ। दरअसल अगर आपकी याददाश्त तेज़ है तो आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड में एक ग्लेशियर फटने से पानी का फ्लो काफ़ी तेज़ हो गया था और जिससे काफ़ी डिस्ट्रक्शन भी हुई। दरअसल यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डिस्ट्रक्शन के दौरान उस एरिया के कुछ गाँव, जैसे रानी गाँव, चमोली डिस्ट्रिक्ट और वहीं के कुछ और गाँव के लोगों ने यह बताया कि डिस्ट्रक्शन के दौरान उन्हें वहाँ पर एक अलग सी पंजेंट स्मेल महसूस हुई, जिसके कारण उन्हें सांस लेने में भी काफ़ी तकलीफ़ हुई। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ये स्मेल 1965 में गायब हुए न्यूक्लियर कंटेनर के फ्यूल की है। ये बात सच है या झूठ, हालांकि इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसे केसेस में सरकार भी इन चीज़ों से डिनाई कर देती है ताकि पब्लिक ज़्यादा पैनिक ना हो। देखिए, न्यूक्लियर कंटेनर का असर उन गाँव पर हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन कैप्टन कोहली, ये वाले जो इंडियन नेवी के एक रिटायर अफसर हैं, उन्होंने कहा है कि इस न्यूक्लियर कंटेनर का असर गंगा नदी को प्रदूषित कर सकता है, जो कि एक अच्छी खबर नहीं है। देखो, ऐसा है, वो प्लूटोनियम कैप्सूल्स काफ़ी रेडियो एक्टिव हैं और शायद वो अभी भी एक्टिव हैं, और अगर ये ग्लेशियर आउटबर्स्ट की घटना इन्हीं प्लूटोनियम कैप्सूल्स की वजह से हुई है तो इट्स गोना बी अ बिग थ्रेट टू द हिमालयन हैबिटेट।